मूवी का स्टार्ट साल 2019 न्यूयॉर्क में होती है, जहां हम जॉनी नाम का एक लड़के को बुक शॉप से जर्सी नाम का एक बुक खरीदते हुए देखते हैं। तभी एक लड़की आकर वही सेम बुक खरीदने के लिए ढूंढ रही होती है, पर वो बुक इतना ज़्यादा फेमस बन चुकी है कि उस शॉप में बस एक ही जर्सी बुक बचा हुआ था जो कि जॉनी ने खरीद लिया था। पर वो अपना खरीदा हुआ बुक उस लड़की को दे देता है। फिर जब वो लड़की पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो जॉनी बताता है कि वो बुक उसके फादर अर्जुन की लाइफ के ऊपर डिपेंड करके है। सीन यहाँ शिफ्ट होती है और हम जॉनी को अपनी माँ शारा के साथ जर्सी बुक की सक्सेस प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए हैदराबाद आते हुए देखते हैं। यह हमें पता चलता है कि जॉनी के फादर अर्जुन अपनी 36 साल की उम्र में, यानी करीब रिटायरमेंट की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की। वो जॉबलेस था और बार बार कोशिश करने के बाद खुद को सक्सेसफुल बनाया एक क्रिकेटर बनके। फिर जॉनी को स्टेज पर बुलाया जाता है और उसे BCCI की तरफ से अर्जुन का एक अवार्ड, एक जर्सी दिया जाता है। यह जॉनी बताता है कि आज से 23 साल पहले जब वो 6 साल का था, तब अपने जन्मदिन पे उसने अपने पापा से एक जर्सी गिफ्ट मांगा था, पर उस टाइम वो नहीं दे पाए और आज मरने के बाद उन्होंने अपना वादा पूरा किया और उसे जर्सी मिला। यह जॉनी अपने पापा की लाइफ के बारे में बताता है और सीन शिफ्ट होकर 1986 का सीन दिखाया जाता है, जहां हम जॉनी का फादर अर्जुन, जो कि उस समय का महान क्रिकेटर हुआ करता था, उसे क्रिकेट के मैदान में देखते हैं और स्टेज के ऊपर से उसकी गर्लफ्रेंड सारा उसे चेयर अप कर रही होती है। सीन यहां दोबारा शिफ्ट होती है और 10 साल बाद 1996 का सीन दिखाया जाता है। अर्जुन अब क्रिकेट छोड़ चुका है और सारा से शादी करके अपना एक छोटा सा बेटा जॉनी के साथ मिडिल क्लास फैमिली जी रहा होता है। यह पता चलता है कि सारा अकेले ही घर चलाती है और अर्जुन बार बार क्रिकेट टीम से पॉलिटिक्स की वजह से रिजेक्ट होने के कारण क्रिकेट खेलना छोड़ दिया है। उसे स्पोर्ट्स कोटा में गवर्नमेंट जॉब मिल गया था, पर रिश्वत के आरोप के कारण उसे जॉब से निकाल दिया गया था और अपनी वाइफ से जॉबलेस होने के कारण डांट खाता है क्योंकि वो किसी लॉयर से कंसल्ट नहीं करता, जबकि वो बिल्कुल इनोसेंट है। उस दिन सुबह अर्जुन जॉनी को तैयार करके उसे अपने क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए छोड़ने जाता है और रास्ते में जॉनी अगली फ्राइडे आने वाली उसकी बर्थडे पर एक जर्सी गिफ्ट मांगता है अपने पापा से, क्योंकि उसका मानना है कि उसके टीम का एक बच्चा जिसके पास इंडियन जर्सी है, उसे उनके कोच ने जर्सी के कारण टीम का कैप्टन बनाया, पर टीम का बेस्ट प्लेयर जॉनी है, अगर उसके पास जर्सी होता तो आज वो कैप्टन होता। फिर अर्जुन उसे समझाता है कि एक अच्छे खिलाड़ी को हमेशा गेम पर ध्यान देना चाहिए, ना कि किसने क्या पहना उस पर। वो जॉनी को अपने टीम का एक अच्छा लीडर बनने के लिए समझाता है क्योंकि कोच हमेशा एक अच्छा लीडर चाहता है। इसके बाद जॉनी को घर वापस ले जाते टाइम अर्जुन उसे लेकर एक शॉप में जाता है उसके लिए जर्सी लेने के लिए, और पता चलता है कि एक जर्सी का प्राइस 500 रुपये है। अर्जुन के पास इतने पैसे नहीं होते, इसलिए वो शॉप ओनर से उधार मांगता है, पर वो मना कर देता है और शॉप ओनर जॉनी को झूठ बोल देता है कि उसके साइज का जर्सी अभी स्टॉक में नहीं है। घर वापस आकर अर्जुन सारा से जर्सी के लिए पैसे मांगता है, पर वो मना कर देती है, उल्टा सुना देती है कि कोई काम भी ढूंढ लिया करो, और जाते टाइम 100 रुपये दे जाती है बिजली का बिल भरने के लिए। सारा के जाने के बाद अर्जुन के कुछ दोस्त घर आते हैं दारू पार्टी करने के लिए। वो लोग कार्ड खेलते हैं और जीतने वाले को 500 मिलेगा सुन के अर्जुन खेलने के लिए मान जाता है, क्योंकि अगर वो जीत गया तो जर्सी के पैसे मिल जाएंगे, और सारा का दिया हुआ बिजली का 100 रुपये गेम में लगा देता है, पर वो हार जाता है। अब रात को सारा खाना पका रही होती है कि तभी बिजली चली जाती है और उसके हाथ जल जाती है। सारा समझ जाती है कि अर्जुन ने बिजली का बिल नहीं भरा और उसकी गैर जिम्मेदारी के लिए बहुत गुस्सा करती है। अब रात को जब सारा सो जाती है तो अर्जुन उदास उसके पास जाकर बैठ के उसके हाथ में मरहम लगाता है और अपनी पुरानी बातों को याद करता है। यहाँ फ्लैशबैक में हम अर्जुन को अपने कोच, जिसे वो अपने फादर की तरह मानता है, उनके साथ सारा की पेरेंट्स से शादी के लिए मिलने जाते हुए देखते हैं, और सारा क्रिश्चियन है इसलिए कास्ट इशू के कारण सारा की फादर शादी के लिए मना कर देते हैं, तो सारा दुखी हो जाती है और दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। धीरे धीरे टाइम बीतती जाती है और एक दिन अर्जुन पॉलिटिक्स की वजह से इंडियन टीम में चांस ना मिलने के कारण क्रिकेट छोड़ देता है। फिर वो एक जॉब ज्वाइन करता है और जॉनी का जन्म होता है, पर उसकी किस्मत इतनी खराब होती है कि रिश्वत की झूठी आरोप में उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। इसके बाद सीन दोबारा 1996 में दिखाया जाता है, जहां अर्जुन सारा को उसके जॉब में छोड़ के लॉयर से मिलने जाता है अपनी जॉब की केस के बारे में, पर केस के लिए उसे लॉयर को 50,000 रुपये देना होता है। उसके पास इतने पैसे नहीं है, इसलिए वो 2 साल से कोर्ट का चक्कर लगा
रहा है। वहाँ से निकल के अर्जुन अपने बेटे की जर्सी लेने के लिए एक दोस्त के पास पैसे उधार मांगने के लिए जाता है, पर वहाँ उसे पैसे नहीं मिलते। फिर वो अपने दोस्तों के साथ एक जगह बैठ के बातें कर रहा होता है कि तभी उसका कोच मूर्ति वहाँ आता है और अर्जुन को अगले दिन होने वाली हैदराबाद क्लब वर्सेस न्यूजीलैंड चैरिटी मैच के बारे में बताता है कि हैदराबाद क्लब टीम में एक बैट्समैन की जरूरत है और उसके लिए वो अर्जुन को खेलने के लिए कहता है। अर्जुन पहले तो मना कर देता है और फिर जर्सी खरीदने की बात याद करके मान जाता है, क्योंकि अगर वो जीत गया तो उसे 1000 रुपए मिलेगा। अब रात को अर्जुन घर वापस आकर अपने क्रिकेट की सामान निकाल के सारा से झूठ बोल के क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए जाता है और साथ में जॉनी को भी ले जाता है। थोड़ी देर प्रैक्टिस करने के बाद अर्जुन अपने टीम के साथ घूमने जाता है और बाहर ही जॉनी का बर्थडे सेलिब्रेट करता है। अगले दिन सुबह जॉनी नींद से जागता है तो सारा उसे एक टॉय गिफ्ट देती है, पर अर्जुन के पास उसे देने के लिए कुछ नहीं होता, इसलिए वो बताता है कि आज मैच खत्म होने के बाद वो जॉनी को जर्सी दिलाएगा। फिर सारा अपने जॉब के लिए चली जाती है और उसके जाने के बाद अर्जुन तैयार होकर जॉनी को लेकर मैच के लिए पहुंचता है। वहां उसके टीम का बाकी प्लेयर्स उसे इस उम्र में खेलने के लिए ताना मारते हैं, पर अर्जुन उन्हें अवॉइड करता है। वहां हम एक जर्नलिस्ट राम्या को देखते हैं जो गेम देखने के लिए आई होती है। अर्जुन हैदराबाद क्लब टीम में होता है और उन्हें पहले बॉलिंग मिलती है। न्यूजीलैंड टीम बहुत अच्छा खेलते हैं और उन्हें 232 रन का टारगेट देते हैं। अब अर्जुन की टीम की बारी आती है, पर उनके टीम का कोच अर्जुन को बैटिंग करने के लिए सबसे एंड में भेजता है, क्योंकि वो अब 36 साल का हो गया है, इसलिए उसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी। फिर अर्जुन बैटिंग के लिए जाता है और वो करके दिखाता है जिसका किसी को उम्मीद नहीं थी। वो बहुत अच्छा खेलता है, पर एंड में बचा लास्ट प्लेयर के साथ कंफ्यूजन के कारण वो प्लेयर रन आउट हो जाता है और अर्जुन का टीम जीता हुआ मैच हार जाती है। एंड में जब सब लोग हारने के लिए अफसोस मना रहे होते हैं, उस टाइम जॉनी अर्जुन को सलामी दे रहा होता है, जिसे देख के अर्जुन बहुत खुश हो जाता है। गेम के बाद अच्छा खेलने के लिए अर्जुन को जो भी पैसे मिलना था वो उससे जर्सी लेने वाला था, पर पता चलता है कि ये एक चैरिटी मैच था इसलिए उन्हें कोई पैसे नहीं मिलेगा। ये सुन के अर्जुन बहुत गुस्सा हो जाता है और कोच पे चिल्ला के वहां से चला जाता है। जाते टाइम रास्ते में जॉनी अपनी जर्सी के लिए जिद करता है, ऊपर से अर्जुन बहुत अपसेट था तो उनकी एक्सीडेंट होते होते बचती है। फिर अर्जुन गुस्सा होकर जॉनी को एक थप्पड़ मार देता है। उस दिन रात को जॉनी की बर्थडे पार्टी के लिए आसपास के लोग उनके घर आए होते हैं। सारा जॉनी की गाल पे निशान देख के उससे पूछती है कि ऐसा कैसे हो गया। जॉनी झूठ बोल देता है कि उसे खेलते टाइम चोट लग गई है। अर्जुन जॉनी से बहुत प्यार करता है और ये बात सुन के वो और ज्यादा इमोशनल हो जाता है। कोई रास्ता ना होने के कारण जब सारा थोड़ी देर के लिए घर से बाहर जाती है, अर्जुन उसकी बैग से पैसे चुराने की कोशिश करता है जर्सी खरीदने के लिए। इतने में सारा वहाँ आ जाती है और सबके सामने अर्जुन पे बहुत गुस्सा करती है और बताती है कि वो अपनी सैलरी से हर महीना पैसे जोड़ती है ताकि लॉयर को पैसे देकर वो अर्जुन की जॉब वापस दिला सके। यहाँ सारा अर्जुन को थप्पड़ मार देती है, जिसका उसे बाद में अफसोस होता है। बाहर खड़ा जॉनी ये सब सुन लेता है और जब अर्जुन बाहर अपसेट अकेला खड़ा होता है, जॉनी उसे चोरी के लिए ताना मारता है तो अर्जुन उसे घर जाने के लिए कहता है और खुद अपने कोच के पास जाता है। वो अपने कोच मूर्ति को कहता है कि वो सही थे कि अर्जुन क्रिकेट से दूर नहीं रह सकता और फिर से क्रिकेट में वापस आने के लिए रेडी हो जाता है। कोच उसे समझाता है कि 36 की उम्र में प्लेयर्स रिटायर होते हैं, उसकी बॉडी उसका साथ नहीं देगी, तो अर्जुन कहता है कि ख्वाब देखने की कोई उम्र नहीं होती। 10 साल पहले जब सबको उससे उम्मीद थी तब उसने सबका भरोसा तोड़ा था, हार मान लिया था, पर आज जब उसने क्रिकेट खेला तो उसमें पुराना जोश वापस आ गया और अपने बेटे की नज़र में अपने लिए प्राइड देख के उसे फिर से अपना सपना पूरा करने की ताकत मिल गई है और वो अब एक नई शुरुआत करेगा। अगले दिन सुबह अर्जुन अपना बैट ठीक करता है और तैयार होकर प्रैक्टिस के लिए निकलता है। जॉनी चुपचाप ये सब देख रहा होता है। अर्जुन हैदराबाद टीम की प्रैक्टिस सेशन में पहुंचता है और सब उसे वहां असिस्टेंट कोच समझते हैं, तो वो सबको बताता है कि वो एज ए प्लेयर खेलने आया है। फिर टीम का ट्रायल शुरू होता है, पर पहले दिन टीम कोच अर्जुन को खेलने के लिए नहीं बुलाता और वो जर्नलिस्ट रामिया वहां ये सब देख रही होती है। वो वहां इसलिए आती है क्योंकि उसकी बॉयफ्रेंड नंदू उसी टीम का प्लेयर होता है। वहां से वापस आते टाइम अर्जुन को कोच मूर्ति देखते हैं, पर वो उससे नाराज थे इसलिए उससे बात नहीं करते। अर्जुन को कोई उम्मीद नहीं मिल रही थी, पर वो कोशिश करना नहीं छोड़ता, हार नहीं मानता। फिर एक दिन उसका एक दोस्त उसे जर्सी के लिए 500 रुपए देता है, पर वो इस बार पैसे नहीं लेता। वो रोज क्रिकेट ब्लॉक ऑफिस जाता है अपने खेलने की बात करने के लिए, पर कोई उसे टाइम नहीं देते। फिर एक दिन उसका एक जान पहचान वाला एक कोच उसे मिलता है और अंदर ले जाकर उसे बाकी सारे स्टेट की कोच से मिलवाता है। वहां भी सबको लग रहा था कि अर्जुन एक असिस्टेंट कोच बनना चाहता है, पर वो सबको बताता
बताता है कि वो कोच नहीं बल्कि फिर से खेलना चाहता है। ये सुनकर वहाँ सब लोग हैरान होते हैं। फिर जब सिलेक्शन कमेटी का हेड अतुल और कर्नाटक टीम का कोच रामानंद साथ में अर्जुन का पुराना खेल रिकॉर्ड देख रहे होते हैं, रामानंद उन्हें अर्जुन को एक मौका देने के लिए कहता है, पर अतुल पहले तो मना कर देते हैं, पर फिर अर्जुन को एक चांस देने के लिए मान जाते हैं। अगले दिन अर्जुन फिर से प्रैक्टिस के लिए जाता है और इस बार कोच उसे बैटिंग के लिए तैयार होने के लिए कहते हैं, पर उसके टीम का प्लेयर नंदू उसका एक ग्लोव छुपा देता है, जिस कारण अर्जुन को डांट के भगा दिया जाता है। फिर जब वो लोग कैंटीन में बैठ के बातें कर रहे होते हैं इस बारे में, तो अर्जुन ये सब सुन लेता है और नंदू पे गुस्सा हो जाता है। तभी मूर्ति आकर उन दोनों का झगड़ा रोकता है और अकेले में अर्जुन को बताता है कि जर्नलिस्ट रामिया ने उसके बारे में एक आर्टिकल लिखा है जो काफी पॉपुलर हो रहा है और क्रिकेट एसोसिएशन में उसकी काफी तारीफ हो रही है। ये देख के अर्जुन और ज्यादा मोटिवेटेड हो जाता है। फिर मूर्ति अर्जुन को बताता है कि हैदराबाद की सिलेक्शन कमेटी ने रणजी ट्रॉफी के लिए 35 प्लेयर्स को सिलेक्ट किया है, जिनमें एक नाम अर्जुन का भी है, और 2 महीना ट्रेनिंग के बाद उन 35 प्लेयर्स में से 15 प्लेयर्स को चुना जाएगा रणजी टीम के लिए। ये सुनके अर्जुन बहुत खुश हो जाता है और मूर्ति को हग कर लेता है। फिर मूर्ति अर्जुन को मोटिवेट करने के लिए कहता है कि उम्र का सपनों से कोई लेना देना नहीं होता, और वो अर्जुन को रणजी ट्रॉफी के लिए अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए कहता है, ताकि सिलेक्टर्स की नजर अर्जुन पे पड़े और उसे इंडियन टीम के लिए हायर करे। उधर रामिया की बॉयफ्रेंड आर्टिकल लिखने के लिए उस पे गुस्सा होता है और मूर्ति अर्जुन को रामिया की बॉयफ्रेंड नंदू के साथ उसका झमेला खत्म करने के लिए कहता है, पर अर्जुन उल्टा वहां रामिया को हग कर लेता है, जिससे उसकी बॉयफ्रेंड नंदू और ज्यादा चिढ़ जाता है और अर्जुन बन जाता है 10 साल पहले वाला फुल एनर्जेटिक अर्जुन। इसके बाद अर्जुन की प्रैक्टिस स्टार्ट होती है और वो जम कर प्रैक्टिस करता है। एक दिन घर वापस आकर अर्जुन अपना बैट ठीक कर रहा होता है कि तभी जॉनी आकर उससे माफ़ी मांगता है, झूठ बोल के जर्सी मांगने के लिए, और अब उसे कोई जर्सी नहीं चाहिए। अर्जुन उसे माफ़ कर देता है और समझाता है कि जिंदगी में कभी सच बोलने से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि झूठ सिर्फ डरपोक लोग बोलते हैं। अब उनके टीम का 2 महीना प्रैक्टिस का टाइम पूरी हो जाती है और सिलेक्शन का दिन आता है, तो मूर्ति अर्जुन को कहता है कि वो उसके साथ लिस्ट देखने नहीं जा पाएगा, पर उसने अर्जुन से अच्छा क्रिकेट प्लेयर आज तक नहीं देखा अपने करियर में। अर्जुन लिस्ट देखने जाता है और वो सिलेक्ट हो जाता है। फिर वो रेलवे स्टेशन में जाकर एक ट्रेन की आवाज़ में अपनी सिलेक्शन की खुशी चीख कर जाहिर करता है और वहाँ से सीधा मूर्ति के घर जाकर उसे गुड न्यूज़ देता है और दोनों बहुत खुश होते हैं। घर वापस आकर अर्जुन सारा को अपने क्रिकेट में सिलेक्ट होने की बात बताता है तो वो कुछ खास रिएक्शन नहीं देती। अगले दिन अर्जुन अपने टीम के साथ रणजी टूर्नामेंट के लिए बस से जा रहा होता है तो सारा वहां जॉनी के साथ आती है उसे बाय बोलने के लिए, पर सारा अर्जुन के साथ कोई बात नहीं करती और अर्जुन वहां से चला जाता है। इसके बाद मैच शुरू होती है और अर्जुन की टीम यानी हैदराबाद की टीम अपने पहले दिन के मैच में ही मुश्किल पोजीशन में आ जाती है, तो कोच अतुल अर्जुन को क्रीज पर टिके रहने के लिए भेजता है, पर अर्जुन ना कि क्रीज पर एंड तक खड़ा रहता है बल्कि जिस पिच पर बाकी प्लेयर्स टिक भी नहीं पाते उस पर एक शानदार सेंचुरी मार देता है। अगले दिन भी अर्जुन अपनी फॉर्म जारी रखता है और अपनी सेंचुरी को डबल सेंचुरी में बदल देता है। ऐसा ही फॉर्म आने वाले मैचेस में अर्जुन जारी रखता है और अपनी टीम को आगे ले जाता है। चारों तरफ उसकी तारीफें चल रही होती हैं और जॉनी भी बहुत खुश होता है। फिर एक दिन प्रैक्टिस के बाद अर्जुन रामिया और नंदू को लड़ते हुए देखता है और रामिया को समझाता है कि चाहे जितना मर्जी झगड़ा नाराजगी हो जाए, कभी अपने पार्टनर को मुश्किल टाइम में अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा साथ रहना चाहिए, क्योंकि अपनों के साथ सारी मुश्किल आसान लगती है। उसकी वाइफ सारा भी कुछ इस तरह से उसको सपोर्ट करती है। अर्जुन की ये बात जब नंदू को पता चलता है तो वो अर्जुन से मिलता है और उसके साथ अब तक जो भी किया उसने उसके लिए माफ़ी मांगता है और उन दोनों की फाइनली दोस्ती हो जाती है। फिर पता चलता है कि रणजी की टोटल 9 मैचेस में अर्जुन ने 1 ट्रिपल, 4 डबल और 4 सेंचुरी बनाया है। फिर वो लोग सेमीफाइनल तक पहुंच जाते हैं अर्जुन की वजह से और सब मिलके खुशियां मनाते हैं। फिर सारा अर्जुन से मिलने आती है और दोनों मिलके उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां वो शादी से पहले जाया करते थे। वहां सारा अर्जुन से माफ़ी मांगती है तो वो माफ़ कर देता है। फिर सारा बताती है कि अब उनकी लाइफ पहले जैसा बन जाएगी, क्योंकि कल उसकी पापा आने वाले हैं उन्हें 50,000 रुपये देने के लिए, ताकि अर्जुन वो पैसे लॉयर को देकर केस क्लियर करके अपनी जॉब वापस पा सके। फिर दोनों मिलके घर चलाएंगे और खुशी खुशी रहेंगे, पर अर्जुन वो पैसे लेने से मना कर देता है तो सारा उसे समझाने की कोशिश करती है और जिंदगी में पहली बार अर्जुन सारा पे गुस्सा हो जाता है। वह उन दोनों में झगड़ा हो जाती है और अर्जुन ये कह के चला जाता है कि वो सक्सेसफुल बन के रहेगा। इसके बाद सेमीफाइनल में अर्जुन फिर से सेंचुरी मारता है और अपनी टीम को जिता के फाइनल में ले जाता है।
पर मैच के बीच अर्जुन की तबीयत खराब हो जाती है और वो कमजोर फील करने लगता है। जब मूर्ति अर्जुन को डॉक्टर के पास ले जाता है तो डॉक्टर उसे ना खेलने की एडवाइस देता है और कुछ टेस्ट करने को कहता है। ये सब सारा सुन लेती है और अर्जुन को फाइनल खेलने से मना करती है, पर मूर्ति कहता है कि फाइनल में सिलेक्टर्स होंगे तो ये अर्जुन के लिए बढ़िया मौका है इंडियन टीम में सिलेक्ट होने का। पर सारा अर्जुन को क्रिकेट या फिर जॉनी और उसमें से किसी एक को चुनने के लिए बोलती है। ये सुन के अर्जुन शॉक्ड हो जाता है और अपना बैग उठा के घर वापस आ जाता है। फिर एक दिन रामिया और नंदू उनके घर आते हैं। उस दिन रात को अर्जुन जॉनी की कैबिनेट में सचिन की जगह अपनी फोटो देखकर इमोशनल हो जाता है। अर्जुन के पूछने पर जॉनी बताता है कि उसका हीरो उसकी पापा है, इसलिए सचिन का फोटो उसने अपने दोस्त को दे दिया। वो जॉनी से पूछता है कि क्या वो चाहता है कि उसके पापा क्रिकेट खेले, तो जॉनी उसे क्रिकेट खेलने के लिए कहता है। फिर जब सारा काम से वापस आती है तो अर्जुन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो इस तरह से नहीं जी सकता, वो एक हारा हुआ इंसान की तरह नहीं रह सकता। सभी उसे निकम्मा समझते हैं, बस उसका बेटा जॉनी उसे बिना किसी मतलब के सच्चा प्यार करता है। उसका एक मामूली जर्सी का डिमांड पूरी ना कर पाने पर वो बहुत दुखी है और आज उसके कैबिनेट में अपनी पिक देखकर उसे एक नई जिंदगी मिल गई है और अब वो क्रिकेट छोड़ के दोबारा उसकी नजर में नहीं गिरना चाहता, इसलिए वो सारा से क्रिकेट खेलने के लिए परमिशन मांगता है। अर्जुन सारा को कहता है कि वो पुराना अर्जुन नहीं बनना चाहता जो अपनी बीवी पर बोझ था, वो अपने बेटे का हीरो बनना चाहता है। तो सारा अर्जुन को फ्लाइट का टिकट देती है जो उसने पहले ही बुक कर दिया था और उसे आज की रात उसके साथ अच्छे से बिताने को कहती है और फाइनली उन दोनों की रिलेशन ठीक हो जाती है। रणजी फाइनल हैदराबाद और मुंबई के बीच होती है जिसमें मुंबई शानदार खेल दिखाते हुए पहली इनिंग्स में 454 रन बनाती है, जिसका जवाब में लगातार विकेट गिरने के कारण हैदराबाद एक नाजुक पोजीशन में आ जाती है। फिर अर्जुन बैटिंग के लिए जाता है पर जल्दी आउट हो जाता है। मुंबई की टीम दूसरा इनिंग्स भी शानदार बैटिंग करते हुए एक बड़ा टारगेट रखती है। अर्जुन किसी भी हाल में ये मैच जीतना चाहता है, इसलिए मैच के आखिरी दिन में वो खुद ओपनिंग करने जाता है और तेज बैटिंग करते हुए अपनी टीम की इनिंग्स बिल्ड करता है। अर्जुन अपने टीम की सभी के साथ पार्टनरशिप करते हुए अपने टीम को जीत की ओर ले जाता है, पर ज्यादा खेलने के कारण उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और वो लगातार बॉडी पे प्रेशर डालते हुए एंड में ट्रिपल सेंचुरी करके अपने टीम को फाइनल जिता देता है और वो खुशी के मारे चिल्लाते हुए बताता है कि जॉनी तुम्हारा पापा जीत गया। यह सीन साल 2019 में जॉनी और सारा पे शिफ्ट होती है जहां हमने उन्हें मूवी की शुरुआत में उस प्रोग्राम में देखा था। यह पता चलता है कि जर्सी बुक को जर्नलिस्ट रामिया ने लिखा है और 1996 में रणजी फाइनल में जीतने के बाद अर्जुन इंडियन टीम में सिलेक्ट हो गया था पर वो खेल नहीं पाया, उससे पहले उसकी मौत हो गई। जॉनी वहां सबके साथ बातें कर रहा होता है कि तभी एक डॉक्टर आकर उसे बताता है कि जर्सी बुक में अर्जुन की मौत की असली रीजन नहीं लिखा गया और फिर वो डॉक्टर जॉनी को अर्जुन की मौत का असली रीजन बताता है। फिर जॉनी सबको वो रियलिटी बताता है कि रणजी फाइनल के 2 दिन बाद हार्ट फेलियर की वजह से उसके पापा की डेथ हो गई थी और अभी उनके डॉक्टर ने बताया कि अर्जुन को अरिदमिया नाम की हार्ट की बीमारी थी जो कि उसे अपनी मौत के 10 साल पहले से ही पता था, पर उन्होंने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया जिस कारण उन्होंने पॉलिटिक्स का बहाना लगा के 26 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था। पर जॉनी की सपनों के खातिर उन्होंने फिर से खेलना स्टार्ट किया। वो एक मेडिसिन खा के अपनी बीमारी को कंट्रोल में रख के खेलते थे। लोगों को धोखा था कि वो ट्राई करते करते हार गए, पर उसके पापा एक रियल फाइटर थे जो कि मौत से आंख मिला के आगे बढ़ते रहे और हमारे लिए एक मिसाल छोड़ गए। और इसी के साथ मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मेरे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद हो जाएगी। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टाटा बाय बाय।